मध्य प्रदेश सरकार से किए जा रहे सौतेले व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध की मशाल थाम ली है। अतिवृष्टि को लेकर केंद्र सरकार से मांगे गए राहत पैकेज में की गई भारी कटौती से नाराज होकर कांग्रेसी सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव भरा रवैया अपनाने का आरोप लगाने के साथ ही अपनी तमाम मांगों से संबंधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कांग्रेसियों ने कहा कि अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में 6000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार ने इतनी ही राशि कांग्रेस सरकार ने मांगी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सिर्फ 1000 करोड़ की मदद दी है, जो ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। अफसोस की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में 22 सांसद हैं, फिर भी इस मामले में सभी चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि वे किसानों के साथ साथ जनता के प्रतिनिधि हैं। बावजूद इसके उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों की दशा को संसद में उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। कांग्रेसियों ने इस बीच आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विट्ठल दास मीणा सहित अन्य कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मध्य प्रदेश सहित देश के गैर भाजपा राज्यों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस बीते एक माह से सतत आंदोलन करके केंद्र सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है। और दुर्भाग्य ये है कि गुना सहित मध्य प्रदेश के 28 सांसद आज भी मध्य प्रदेश को राहत राशि दिलवाने में अक्षम और असफल सिद्ध हो रहे हैं, जिससे गुना जिले का किसान अन्नदाता कहीं ना कहीं परेशानी का एहसास कर रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के और मोदी जी को उनके किए वायदे कि प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जिन्हें वो भुला चुके हैं, उनको पुनः स्मरण कराने के लिए जिला कांग्रेस के तत्वाधान में संपूर्ण कांग्रेस परिवार ने ये ज्ञापन दिया है। हम सब ने राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से अपेक्षा की है कि वे सोती हुई मोदी सरकार को जगाने का प्रयास करें, जिससे उसकी कथनी और करनी में कम से कम कुछ अंतर मिटना आरम्भ हो सके।